जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र स्थित दुकीडी गांव में शुक्रवार की शाम सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदाय में विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसको लेकर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों ही धर्मों के लोग आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाकर वर्षों से चलने का काम कर रहे हैं। दोनों भाई एक समान रहते हैं और एक साथ रहते हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। माँ सरस्वती विद्या की मंदिर है, इनके विसर्जन को लेकर कोई लड़ाई या विवाद नहीं है, मगर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर ऐसी घटना को अंजाम देकर आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि आपका काम है शांति बहाल करना, ना कि गोलियां चलाना। ये विसर्जन के दौरान हुआ, लेकिन पूरे इंसिडेंट को देखते हुए ये समझ में आया कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने जानबूझ के पुलिस को टारगेट किया है, जिसका हम लोग आयरन हैंड के साथ एकदम कड़ाई से निपटेंगे, और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उसको कानून का सख्त से सख्त जो है झेलना पड़ेगा। और बाकी विसर्जन हो गया है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अब आगे जो लोग इस पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे उन पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। जो सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है तो उसका पीसफुली एक टॉप हुआ था कि एक जो निर्धारित रूट है उसे पीसफुली सब तरफ से डिसीजन हुआ था कि उस रास्ते से जाने दिया जाएगा। तो मूर्ति ले जाने से पहले अब हमारा जो वहाँ का पुलिस अधिकारी है, थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर, वो दोनों एक बार पूछने के लिए कि पीसफुली जाने दिया जाएगा कि नहीं दिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।